रास्ते में है बर्फ जमी हुई, तो ये लास्ट विलेज है हिमाचल का, इसके पादली साइड को उत्तराखंड है। 21 इयर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो पहले तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, उठ चुके हम और सुबह सुबह ना मेरे को बढ़िया सा सनराइज दिख रहा है यहाँ से। और आज हमारा प्लान तो है वैसे कहीं जाने का, बट अंजना की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो लेट्स सी क्या बनता है। अभी करता हूँ इस व्लॉग की शुरुआत, तो व्लॉग के एंड तक बने रहे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो ये देखिए जी 2024 का सनराइज कितना ब्यूटीफुल है, और यहाँ से जो व्यू आता है ना यार, इट्स रियली वेरी अल्टीमेट। एक बार आप नज़र मारिए, वाह। बाकी मेरा हो रहा है यहाँ व्लॉग अपलोड, और हुआ नहीं अभी तक अपलोड यार, लेके जाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह अंजना, अक्षय भाई और नेहा अभी तो चले गए आगे, मैं और दिव्यम जा रहे हैं। कैसा रहा आपका न्यू ईयर? बहुत जबरदस्त यार, पक्का। चलो भाई मजा आना चाहिए। बस अंजना की तबीयत थोड़ी सी यार खराब हो गई, उस बात का एक टेंशन भी होता है यार, क्योंकि यहाँ पे ना फर्स्ट एड है नहीं नियर बाय। आज सुबह सुबह इस मंदिर के दर्शन हो गए, जय भगवान जी। भाई कैसी शान जमी है, चमकदार। गुड मॉर्निंग। देखो बहुत तबीयत खराब है अंजना की, बोला नहीं जा रहा, ठंड ज्यादा लग गई है। हाँ बेचारी ना डिनर भी नहीं कर पाई। क्या प्लान है अंजू, फिर मेरी वजह से ट्रिप खराब ना हो बस। हाँ जी भाई जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ अंजना, हाँ भाई ये बज गया मेरे मुंह पे। हैप्पी न्यू ईयर, कैसे आप? बढ़िया भाई बढ़िया, स्मार्ट लग रहा है भाई। स्मार्ट तो तेरा भाई है, तेरे को पता ही। हाँ वो लगता तो है मेरे को, है तू मुझे तू, पर इसको ना अंडररेटेड है बस बेचारा, मेरे को ये रहता है दुख। रेट बढ़ाओ ना, रेट बढ़ाओ इसका। मेरा प्लान थोड़ा सा ना डाइसी लग रहा है, क्योंकि अंजना की तबीयत ठीक नहीं है, तो लेट्स सी क्या बनता है यार। नीचे जाके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ना भाइयों को। हैप्पी न्यू ईयर भाई जी, हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे बोलो क्या है, पानी जो था वो सारा जम गया है ठंड की वजह से। अब हम यहाँ से धीरे धीरे नीचे को निकलेंगे, अपनी गाड़ी में पहुँचेंगे, क्योंकि मेरे साथ क्या गलती हुई, मेरा सारा सामान गाड़ी में था, मैं अपर चेंज करना रह गया था मेरा यार। तो गाइस अब निकल रहे हैं हम यहाँ से, और 8:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और सिग्नल 7:30 बोला है, 7:30 बजे के उठे हैं। और भाई ब्लॉग अपलोड अभी तक हुआ नहीं, वहाँ पे अगर मिलता है थोड़ा सा सिग्नल तो वेल एंड गुड है, उम्मीद। हाँ जी धूप लग रही है, कुछ अच्छा फील हो रहा है। मेरी तो अभी तक बॉडी ऐसी है पूरी ठंडी, और कल ना गाइस मेरा पहला न्यू ईयर ऐसा रहा होगा जिसमें मैं पूरी रात सर पकड़ के रो रही थी, और मैं सोच रही थी मेरी वजह से 4 दिन का कोई ट्रिप खराब ना हो, और मेरा क्या ही बोलूं। नहीं यार हेल्थ कम्स फर्स्ट, तू अभी थोड़ा धूप वगैरह सेक ले, फिर डिसाइड कर ले कि क्या करना है। चलना है तो मैं आई एम रेडी टू गो बैक, ऐसा कुछ नहीं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रेडी हो रहे सब लोग, और अंजना की तबीयत थोड़ी सी बेटर है, तो अंजना यार सबका मतलब ना ध्यान रखते हुए कि सबका मूड ख़राब ना हो, तो इस वजह से बेचारी कोशिश कर रही है कि हमारे साथ चल पड़े। तो गाइस तैयार हो चुका हूँ मैं बढ़िया से एंड फ्रेश, टोटली फ्रेश। अभी तक ना मतलब नींद जैसी थी, अब तो वो भी नहीं है। और ये मेरा आउटफिट है आज का बाहर से। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। तो हम जा रहे हैं जी चांचल वैली। तो देखो रोडू आए और चांचल ना जाए, ऐसा हो सकता है। फ्रेश फ्रेश अपने पति का सबके साथ आए तो फिर सारी रात ना वॉमिटिंग और हेडेक से ना भगवान, ऐसा लग रहा था कि पूरा न्यू ईयर का ट्रिप खराब हो गया है, और मतलब भगवान। चल जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब तुम ठीक हो, बेटर हो और जाने लायक हो अब, है ना। मैं चल पड़ूंगी। ध्रुव कैसा हो गया था कि तू बीमार है, फिर हम चंडीगढ़ चल जाते, ज़्यादा बीमार ना हो जाए, तो सब ने ना अपना मतलब कहीं और का प्लान बना रहे थे, फिर वो ख़राब कर दिया, फिर सबके मुँह ऐसे लटके हुए थे। तो अभी सारे अंदर बोल रहे थे कि अभी थोड़े आप फ्रेश लग रहे हो, तो अब हम चले चले। मैं कहा मेरी वजह से ना फिर हो ही जाता है, मन खट्टा हो ही जाता है, दो लोग ऐसे होते हैं। नहीं 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 यार ठीक रहेगी, टेंशन मत ले, अगर कोई दिक्कत हुई तो हम आधे रास्ते से भी वापस आ सकते हैं। हाँ जी क्या कंपटीशन है? रुको एक कंपटीशन है जो कैच करेगा,
कैसे करेंगे? एक मिनट, दो अच्छी अच्छी बातें जो मेरी अच्छी बोलेगा उसको ये चुनगा मिलेगी। स्टार देवियम से नहीं, स्टार इन से। ये क्या है? आपका नेचर बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छी आदमी है। शर्याम झूठ, ये तो बेइज्जती कर रहा है उज्जवल। ये झूठ हो रहा है ना भाई? क्या झूठ? ये देखा है ये तो क्या है फिर? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, एक दूसरी भाभी जैसे इंसान कोई है, इतने प्यारे, इतने सुंदर। तो भैया मैंने भी बोला ना, कोई नहीं, तेरे को मैं देता हूँ, कुछ और देता हूँ। दिब्बू भाई को बड़ा, इसने थोड़ा तो बोला, इसकी भी तारीफ तारीफ करवा ना अपनी पहले। तारीफ तो करी नहीं, तारीफ कर, तारीफ ग्रेट है भाई यार, अपने छोटे ध्यान रखना पड़ता है, न्यू ईयर है। प्लान तो बहुत कुछ बन रहा है, गाड़ियों की दिक्कत फंस रही है क्योंकि 4x4 नहीं है ना हमारे पास। प्लान चेंज हो रहे हैं ना, पहले कुछ और अब कुछ और, फिर दिक्कत हो रही है और सामान भी है साथ में, ठंड भी है, कपड़े भी ले जाने जरूरी है। तो गाइस अपनी गाड़ियां लाइन में जा रही है और हम पहुंच ही गए हैं मेन रोड पे ऑलमोस्ट। अब यहां से आगे बस मेरे को अपनी गाड़ी पार्क करनी है और सारा सामान शिफ्ट कर देंगे हम यहीं पे। और जी उसके बाद हम निकलेंगे चांचल वैली, और चांचल वैली से आगे जाने का भी वैसे तो प्लान बन रहा है, अब वो बनता है कि नहीं, लेट्स सी। तो गाइस अपना ट्रिप स्टार्ट हो गया है, हम जा रहे हैं निक्की के साथ स्कॉर्पियो में चांचल, और चांचल फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम। चांचल में अब बर्फ होगी कि नहीं होगी ये बताओ? थोड़ी बहुत होगी उम्मीद है, पर मजा आएगा हाइट पे जाके हमें। हमारी गाड़ी, मैं ध्रुव को बोली गाड़ी ऐसी लो जो हर जगह जाए भाई, हमारी गाड़ी एक जगह निक्की दीदी के घर पे खड़ी होगी है, बस वही है वो। नहीं अब तो पेट्रोल पंप पे है, घर से चलेगी। अब निक्की दीदी के पेट्रोल पंप पे आ गई यार, गाड़ी काफी कंफर्टेबल है। हाँ, गाड़ी हाँ, बैठने में मजा आ रहा है। स्कॉर्पियो, नेक्स्ट हम भी स्कॉर्पियो लेंगे। हाँ, तुम भी स्कॉर्पियो, अंजना मेरे को गिफ्ट दे रही है ना स्कॉर्पियो। अच्छा यहाँ पे आपका गाँव? पहले हमारे को जाना पड़ेगा गाड़ी लेने। हाँ, पहले गाड़ी लेना पड़ेगा, सही। फिर वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। जरूरी भी नहीं है तेरी गाड़ी लेके आना है यार, सामान है। अच्छा, सीनरी बड़ी अच्छी अच्छी आती है रास्ते में ना। एक और नदी हमारे गाँव की नदी है छोटी, ये अलग से है, पबर नहीं है, पबर में यहाँ मिल जाती है। अच्छा, रिसोर्ट दिख रहे हैं जिसकी वो हट्स दिख रही है पीछे एक लंबी, वाले दो है, मतलब ये दो कैंप्स है यहाँ पे, काफी अच्छी अच्छी। सही है यार, और ये इसका पानी का फ्लो तो नहीं बढ़ जाता कभी? बढ़ता है, ऊपर तक तो नहीं आता। रेटे हमें मिल गए पानी के, वहाँ ही जाना है ना सामने, चांचल जो दिख रही है पीक। बर्फ है, हल्की हल्की दिख रही है बहुत ही। पिछले साल ज्यादा बर्फ, पिछले बार तो ज्यादा थी, पिछले बार हम पिछले साल भी आज इस टाइम पे यही को चले थे, आज भी भूल गई तो ये गेंद थे पिछले साल। पिछले साल मैंने ब्लॉग देखा है, हम लोग नहीं थे, वीडियो कॉलिंग पे हुई थी हमारी बात, याद है रात को। ये बताओ यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा चांचल में हमें? आराम से ढाई तीन घंटे। ढाई तीन घंटे। ये कौन सा बाजार है? चढ़गांव। ये चढ़गांव है? चढ़गांव। चलो यार बढ़िया नॉलेज दे रहे रीति दीदी हमें। वाह, हमें रोडू की रोडू तहसील में निक्की आती है, इनका जहाँ खत्म होता है ना, जहाँ सीमा कॉलेज है उससे पीछे सब लोग चढ़गांव तहसील में आते हैं। अच्छा, ये क्या बोला आपने? तांगड़ू। तांगड़ू जानो नानो ने मामा माती जानो माड़ो रे मेरे मामा रोनिया मामा माती जानो माड़ो रे। कभी कभी कितना लकी फील होता है ना कि हम ऐसी जगह से हैं जो इतनी। सही बात है यार, और न्यू ईयर पे इतनी सुंदर जगह में कहीं हमें पैसे खर्च के इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घरों के आसपास नाच रहे हैं। बिल्कुल, तुम्हारी भी ऐसी है, सारी में ही होता है। हिमाचल ही बहुत सुंदर है यार, हिमाचल में यार आके ऐसा लगता है कि पीस है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। और कौन सा? अच्छा ये बताओ रोडू में सबसे बड़ा गाँव कौन सा है? खशदार। यहाँ भी खशदार, हम भी गए थे। अभी तक मैं बोल रहा था कि भाई मेरे को बगीचे नहीं दिख रहे, बगीचे नहीं दिख रहे, और इतना बड़ा बगीचा, वाह जी वाह। और यहाँ पे बर्फ भी पड़ी होती है, अभी तो इस बार पड़ी नहीं अभी तक बर्फ, वरना यहाँ हमें बर्फ दिखनी शुरू हो जाती थी। वाओ नाइस, वाओ 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 यार कितना ब्यूटीफुल है यार यहाँ पे, है ना। इस गाड़ी में जो भी बैठे पहली बार जा रहे रुद्रकुमार, अंजना को छोड़ के
मैं तो गई हूँ भाई, बचपन में ही से ही गई जरूर हूँ, अब याद भले ना होगा, पर मैं पढ़ती थी उस टाइम 9th या 10th में। हाँ इतना चांचल 0 किलोमीटर तो हम चांचल पहुंच गए। ओ मिट्टी 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 मतलब माइलस्टोन यहां लगा है ना, लेकिन मेन तो ऊपर है ना, मेन ऊपर है, वही मैं सोचूं मैं चांचल तो चांचल जैसी फील नहीं आई। वाह जी वाह, पहली बर्फ और पहला एक्सपीरियंस भाई, बाहर उतरते इतनी ठंड लग रही है ना मेरे को, लिटरली भाई मजेदार, भाई मजेदार मजा भाई। इस बार तो बर्फ नहीं, पिछली बार जो बर्फ थी ना मामा जान, है ना, क्या बर्फ थी पिछली बार, बट कोई नहीं इस बार भी बहुत सुंदर है सच बताओ। बट ये सोचना साल की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे बर्फ का एंजॉय कर रहे हैं भाई, है ना, इतना अच्छा हो सकता है, कभी नहीं भाई, कभी नहीं, कभी नहीं। तूरधार की हाइट के बराबर तो है ये चांचल, 14-15 हजार तो है, इतना तो होगा। वाह यार, ये क्या बर्फ साफ कर रहे हैं, शान जमी होती ना यार, और साथ के साथ सफाई भी हो जाती है शुरू, देखो यार कितनी जमी हुई है। वाह यार, व्हाट अ नाइस एक्सपीरियंस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच कि ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पे बर्फ देखो नाइस, निकल जाएगी निकल जाएगी, हेल्प करा रहा हूँ भाई की थोड़ी, हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। OMG nice यार nice भाई, पर ओपन है पूरा, क्या बात है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल यार। अभी भी 4 किलोमीटर बचा है चांचल, फिर भी भाइयों देखो अपने भाई लोग वहां पे पहुंच गए। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं बहुत ही बढ़िया सी लोकेशन में, अभी तक आपको मैं सनरूफ में दिखा रहा था, आ रहा हूँ बबुआ आ रहा हूँ, क्या बात है भाई। अक्षय भाई यार ये जन्नत है यार, सीरियसली मिस कर जाते तुम लोग अगर चले जाते, अच्छा किया कि तुम लोग आ गए भाई, अंजना ने हिम्मत दिखाई वरना पॉसिबल नहीं होना था ये आज। देखो एक भाई आप ब्यूटी देखो, वाह यहाँ पे एक चीज देखो, नीचे नीचे देखो लोग रह रहे, यहाँ जंगल है, हाँ। देखो वहाँ भी बस्ती है, वहाँ जंगल है, यहाँ सारे ऊपर गंजे पहाड़ और व्हाइट, और इस पहाड़ पे ना बादल की शेड पड़ रही है, अधिक डार्क लग रहा है, हाँ, 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 सही बात है, क्या ब्यूटी है, बहुत प्रीटी है, और ठंड भाई यहाँ पे कितनी ज्यादा ठंड है, बुरा हाल, मैं तो अपने भाइयों से मिलने जा रहा हूँ ना, रिले चल रही है भाई यहाँ पे अलग अलग, मतलब सबके अंदर एक क्रिएटर निकला हुआ है अलग से, यहाँ पे मनी डॉक्टर साहब क्रिएटर बने, वहाँ पे हमारे एक्टर साहब, बस ये देख रहा है जहाँ ये बर्फ दिख रही है तुझे, हाँ। उसके बैक इस साइड को ही है, इस साइड को तू भी नहीं गया ना वहाँ तक अभी, ऊपर तक तो ये अब तो साथ करेंगे हम दोनों बाहर, चलो अब हम सबका है साथ के साथ, इस भाई तो आपका फर्स्ट टाइम है, सबका फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम जा रहे को, ये चाहिए सिर्फ डोडरा को, ये मैम आप क्यों गए भाई, ये लड़की रोड भी घूमी है डोडरा भी घूमी है, पहुंचे बच्चे हम ये बेचारे, तू लकी है ब्लॉगर्स तू समझ, आज भी इसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, अगर ये नहीं आती तो ऑल थैंक्स टू भाभी जी, सही बात है ये बंदा मान नहीं रहा थार के साथ, नए नए ट्रायल्स चल रहे हैं, आ जाओ कुछ नहीं होता भाई जी, टेंशन मत लो, क्या बात है उज्जवल, उज्जू मेरा शॉट खराब मत करिए, सॉरी सॉरी रील बन रही है इस साइड से, अब स्पीड में भगाओ नीचे को, हाँ गिरा दो इनको, गिरा दो इनको, जान दो जान दो, हम भी फील करना चाहते हैं भाई, जान दो गड्डी नू, वीडियो मत गिरी, बहुत मुश्किल हुआ मेरा ना, एक हाथ फिसल रहा था तो मैंने सोचा व्हाई टू टेक रिस्क, ज्यादा ना हो जाए, मान नहीं रहा है, स्पाइडरमैन बना है उज्जवल, स्पाइडरमैन हिमाचल का, ऐसा लग रहा है यहाँ से उड़ान भर गए, तगड़ी फोटो आने वाली है इस पोज में, नाइस यार पर मजा आ गया यहाँ पे, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर चांचल की तरफ, हम्म,
भाई ये है चांचल वैली और कितना ब्यूटीफुल व्यू है। अभी हमने रुक नहीं रहे क्योंकि हमें जाना है टोटरा कुवार। फिर भी मैंने एक मौका देख लिया उतरने का क्योंकि रोनी भैया की गाड़ी से कुछ खाने का सामान निकालना है। तो भाई मैं चांचल पास में खड़ा हूँ और सबसे अच्छी चीज़ ये पहाड़िया, आहा हा हा, अल्टीमेट। सामने जो बर्फीली चोटियाँ दिख रही है रंजना, है ना, और कितनी ऊंची है यार। भागे भाई हमारे इंस्टाग्रामर, देखो मेहनत तो इंस्टाग्राम में भी लगती है। क्रेडिट बेचारे डॉक्टरों को मिल नहीं रहा। हम ले लेंगे, कोई नहीं हम ले लेंगे। अरे मजा, फर्स्ट टाइम इन चांचल। फील ले रही है जना तो सनरूफ की। बड़ा ही खतरनाक ऑफ रोडिंग हो रही है। पीछे थार का देखो हाल, कितनी ज्यादा मिट्टी उड़ रही है, बुरा हाल हो रखा है। तो भाई साहब डोडरा बचा है सिर्फ 1 किलोमीटर और शिवम यहाँ पे ड्यूटी निभा रहा है। 1 किलोमीटर का बताया कि यूं करके फोटो यूं खींच रहा है तो एक अगर अभी हम मैच खेलेंगे तो आउट आउट है भाई। आगे यहाँ से व्यू तो देख, सब समझ में आ रहा है। चलते जरा व्यू देखना चाहता हूँ मैं भी कि क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। ओहो हो, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल यार। और यहाँ पे मंदिर भी है एक, नाइस। तो ये है डोडरा। अच्छा इस रोड से हमें जाना है, यहाँ से उत्तराखंड है नेक्स्ट। सीरियसली? हाँ यहाँ से उत्तराखंड है नेक्स्ट। यहाँ से अगर तुम ये नीचे नदी है ना जो, हाँ हाँ, ये रुपिन नदी है। अगर तुम यहाँ से पीछे ट्रैक करके जाओगे तो रुपिन पास जाओगे और उत्तराखंड में। एक हिसाब से लास्ट विलेज है हिमाचल। थैंक यू सो मच शिवम भाई। शिवम भाई ने इतनी बढ़िया नॉलेज दी ना इसके बारे में, मेरे बहुत सारे डाउट्स थे जो शिवम ने क्लियर करे। तो ये लास्ट विलेज है कवार और यहाँ पे डोडरा, ये डोडरा है अपना और ये कवार है। और ये फेमस क्यों है थोड़ा सा? लास्ट विलेज है यार, जब हम रोडू साइड से आते हैं ना, जब पास क्रॉस करते हैं तो ये लास्ट विलेज है हिमाचल का। इसके पादली साइड को उत्तराखंड है, उत्तराखंड है तो वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं, कनेक्टिविटी यहीं से है हिमाचल साइड से। तो बस इसके बाद कोई रोड नहीं जा रही है, उत्तराखंड को कनेक्ट नहीं कर रहे हम यहाँ से। वो अगर करेंगे कल को तो आसानी हो जाएगी इन लोगों को भी, बट अभी फिलहाल तो कोई नहीं है। तो मतलब इनको बहुत घूम के जाना पड़ता है। हाँ इनको बहुत, यहाँ पे बहुत मतलब रिमोट है एक तरह से ना, रिमोट होता है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं होती रोड से। आप चाचल पास में बर्फ गिर गई तो कहीं जा ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, विंटेज घर है यहाँ पे यार। लेकिन अब हम ऐसे टाइम में पहुँच गया कि ये जगह भी बहुत डेवलप हो गई है ना। वही मैं बोल रही हूँ, जब मैं आई थी तब तो बिल्कुल रास्ता भी नहीं जाता था, कहीं से हम पैदल गए थे यार। जहाँ रोड है वहाँ सब पहुँच जाता है। वही ना, अभी तो सब कुछ बन चुका है, दुकानें भी है यहाँ पे छोटी मोटी। देखा धीरे धीरे सब हो जाएगा यार। भेड़े भेड़े मेरे को ऐसा लग रहा है ना जैसे पूरे बचपन में चले गए ना प्रीति दीदी, ऐसा ही था यार। उतना जब हम छोटे थे ना इतना डेवलप नहीं हुआ था। वो देखो आंटी ने पकड़ा हुआ है। क्या बात है, बड़ी मुश्किल से कुछ गिफ्ट मिला। कब से वेट कर रहे थे हम यहाँ पे, हमने हवा चेक करवानी थी और यहाँ पे लाइट भी नहीं है। भैया बोल कब से गई है भैया लाइट, आएगी वैसे रात तक? 12 बजे चले गई है। ओहो हो, अच्छा लिफ्ट दे रहे हैं हम। इस साइड से आएगी, इस साइड से आ जाएगी। सामान पड़ा है, सामान उठा ले। लोकल अच्छा शादी है ना? अच्छा ये वाला लास्ट लास्ट विलेज है ना? अच्छा ये सिग्नल आते हैं एयरटेल दोनों चलते हैं। हम तो चंडीगढ़ से हैं। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी। हिंदी नहीं है यार, यहाँ की अपनी लैंग्वेज ही तो होती होगी, लोकल भाषा। लोकल भाषा क्या है यहाँ की? मतलब ऐसे आप ऐसे हिंदी में बात करते हो? अपनी अपनी भाषा होती होगी ना यार। क्या नाम है आपका? निशु। निशु जी भाई बहुत सुंदर लग रहा है, अलग ही दुनिया है ये।
ये क्या है? चेदार। चेदार। नीचे कुछ राजा है ना, हेलीपैड तक ये रास्ता लग रहा है मेरे को भी, और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं हेलीपैड में। आगे जी रोड बंद है जी। नमस्कार जी। आगे रोड है तो है पर पार खाली है। खाली है जी। हेलीपैड तक है, यहाँ गांव तो इधर है। चलो भाई वाह, बढ़िया जीवन है ना। क्या लग रहा है पर हेलीपैड भी यार, कोई भी बंदा फोन में नहीं है। मैं एक चीज देख रही हूँ। चल चल चल, इस साइड बहुत जगह है, तो अपनी साइड देख, बस इस साइड है जगह तेरे पास। वेरी गुड वेरी गुड, बस निकल गई और क्या। लोग कैसे देख रहे हैं, वाओ नाइस नाइस। हेलो, नहीं मेरा। अरे यहाँ पे घास की टोलियाँ देखना, पेड़ में लगाई हुई है सारी। वाओ, अब ठीक है, अब तो खुला है। ये देखना घर ऊपर, ओह माय गॉड कितना ब्यूटीफुल है यार, सीरियसली। ये अपनी गाड़ियाँ जा रही है, सबसे आगे वैगनार, फिर थार, फिर अपनी स्कॉर्पियो। पता क्या है, तो भाई हम ढूंढ रहे थे कब से, कहाँ पे हमारा स्टे होगा, कहाँ पे हमारा स्टे होगा। सब आगे आगे जा रहे, आगे जा रहे। प्रीति दीदी यहाँ पे रुके, प्रीति दीदी, और फिर मैं और अंजना भी थोड़ा सा आगे जाते हैं। आगे तो क्या, वहाँ जैसे से आए हम पैदल। हाँ, पानी की बावड़ी है, लो जी फुल पावर पानी है, और इस जगह पे हमारा स्टे होगा। और ठंड भी बहुत ज्यादा यार, ठंड है यार। बस हीटर मिल जाए मेरे को, बस यही है अपना स्टे। हाँ बात कर लेते हैं, भाई लोग आएंगे, फिर हम अपना सारा सामान लेके अंदर जाएंगे, गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करेंगे, अपना न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे अच्छी खुशी वाली बात यह है कि इतनी अच्छी लोकेशन में हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट होगा। कैसा लग रहा है, मतलब हिमाचल का लास्ट गांव है ना, लास्ट गांव इन द सेंस कि इसके बाद उत्तराखंड शुरू हो जाता है। मतलब हाँ, हिमाचल इसके बाद उत्तराखंड हो गया, मतलब पहाड़ी होगा बोल सकते हैं हम, वो भी पहाड़ी होते हैं। पर हमने यहाँ पे फुल एंजॉय करना है, फुल फन करना है, तो मैं सोच रहा व्लॉग भी एंड करता हूँ। आई होप कि आपकी व्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी गाइस हैप्पी न्यू ईयर, वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें, एंड हमें ऐसा प्यार देते रहे जैसा आप दे रहे हो, आपके प्यार की बहुत जरूरत है। सोच रहा हूँ मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि आपकी व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपके व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड देखते रहे टेकी डीजी व्लॉग्स, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।